बदल गए नियम, संभल कर चलाई गाड़ी, वरना मामूली चूक पड़ेगी बहुत भारी। दो दिन बाद यानी 1 सितंबर 2019 से देश में कई नियम बदलने वाले हैं। इसमें से कुछ आपकी जेब पर भारी पड़ेंगे तो कुछ आपके जीवन को सुगम बनाएंगे। नए नियम के तहत आपात वाहन को रास्ता नहीं देने पर ₹10,000 जुर्माना लगेगा। ड्राइविंग के लिए खारिज किए जाने के बाद अगर कोई वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो ₹10,000 का जुर्माना। ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों के उल्लंघन पर ₹1,00,000 तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। डॉट ओवर स्पीडिंग पर 1 की बजाय ₹2,000 तक का जुर्माना। बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग करने पर ₹2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर ₹1,000 का जुर्माना और 3 माह तक लाइसेंस निलंबन। डॉट सरकार ने इस नियम में बदलाव 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों के सुझाव पर किया है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि किशोरों के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर उसके माता पिता या अभिभावक को दोषी माना जाएगा और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब ₹100 की जगह ₹500 का जुर्माना देना होगा। इसके अलावे प्राधिकरणों के आदेश नहीं मानने पर अब ₹500 की जगह ₹2,000 का जुर्माना देना होगा। इसके अलावे बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर ₹5,000 का जुर्माना देना होगा। लाइसेंस खारिज होने के बावजूद वाहन चलाने पर ₹10,000 का जुर्माना लगेगा। खतरनाक ड्राइविंग पर 1,000 की जगह 5,000 और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर ₹10,000 का जुर्माना लगेगा। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूले। बदल गए नियम, संभल कर चलाई गाड़ी, वरना मामूली चूक पड़ेगी बहुत भारी। दो दिन बाद यानी 1 सितंबर 2000